80 के दशक में बॉलीवुड फिल्मों में माँ और सास के रोल निभाकर फेमस हुई ललिता ने 24 फरवरी 1998 को पुणे में अंतिम सांस ली थी। ललिता पवार ने कई फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में टीवी सीरियलों और कई सुपरहिट फिल्में भी की हैं। टीवी सीरियल रामायण में उनके मंथरा के किरदार को कोई नहीं भूल सकता। ललिता पवार का असली नाम अम्बा था। उनकी पहली फिल्म के लिए उन्हें महज 18 रुपए दिए गए थे। वो एक अभिनेता के साथ साथ एक गजब की गायिका भी थी। कई कामयाब फिल्में देने के बाद मानो उनकी जिंदगी को किसी की नजर लग गई हो। दरअसल यह 1942 में ललिता फिल्म जंगे आजादी के एक सीन की शूटिंग कर रही थीं। इसी दौरान एक सीन में एक्टर भगवान दादा को ललिता को थप्पड़ मारना था। उन्होंने ललिता को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो गिर गईं और उनके कान से खून बहने लगा। इलाज के दौरान डॉक्टर द्वारा दी गई किसी गलत दवा के नतीजे में ललिता पवार के शरीर के दाहिने भाग को लकवा मार गया। लकवे की वजह से उनकी दाहिनी आंख पूरी तरह सिकुड़ गई और चेहरा खराब हो गया और इस घटना के बाद उन्हें फिल्में मिलनी भी बंद हो गईं। उन्होंने कई सालों तक अपनी सेहत को संभाला और एक अलग हौसले के साथ यह 1948 में अपनी एक मूंदी आंख के साथ निर्देशक एसएम यूसुफ की फिल्म गृहस्थी से फिल्मों में वापसी की। उन्होंने फिर काम करने का एक भी मौका नहीं गंवाया और फिल्मों में जालिम सास का रोल निभाने लगीं।